नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। अगर आपको याद हो दोस्तों, ये दोनों टीम्स वही हैं जो कि सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले खेली थी। अगर आपको याद हो, शेन वॉन ने जितवाया था राजस्थान रॉयल्स को। अंडर डॉग्स थे, नोबडी गेव मच ऑफ अ चांस टू देम, बट समहाउ दे मैनेज टू फाइंड अ वे बैक। इस सीजन अगर आप देखोगे दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है, स्पेशली जब जोफ्रा आर्चर बाहर है, स्पेशली जब बेन स्टोक्स बाहर है, काफी लोग इनको मौका नहीं दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो बीइंग द टॉप साइड इन दिस गेम। बट वी नो वॉट राजस्थान हैव डन इन द पास्ट एंड लेट्स सी इफ दे कैन सरप्राइज अस इन दिस गेम। इनका सामना होगा महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। क्लियर है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में काफी कुछ कहा जाए, वेदर यू नो वेदर ही विल मेक इट टू द नेक्स्ट सीजन और नॉट, शायद ये इनका आखिरी सीजन हो सकता है एंड वॉट नॉट। बट वी ऑल नो वन थिंग अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को फिर से प्लेऑफ्स तक लेके जाएं, एटलीस्ट जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का एक फोटेरा है, टू बी एबल टू क्रैक द लीग स्टेजेस एंड मेक इट टू द प्लेऑफ्स। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स अपने 2 गेम्स खेला है अब तक के। दिल्ली के अगेंस्ट वो फर्स्ट गेम अपना हार गई 7 विकेट से, बट इन्होंने पंजाब को वन साइडेड गेम में 6 विकेट से हराया और उनके तारे जमीन पर कर दिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अपना ओपनिंग गेम पंजाब के अगेंस्ट हारा था 4 रन से, इन स्पाइट ऑफ देम स्कोरिंग 200+ रन, फिर भी ये गेम वो हार गए। संजू सैमसन कुछ नहीं कर पाए, बट सेकेंड गेम में अगेंस्ट डीसी, थैंक्स टू क्रिस मॉरिस, हारी हुई गेम वो जीत गए 3 विकेट से। अब दोनों टीम एक गेम जीती है एक गेम हारी है, कोशिश पूरी करेगी कि ये वाली गेम भी वो जीत जाए ताकि टेबल में थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंच सके। बात करते हैं दोस्तों इन दोनों टीम्स के प्रीवियस 5 गेम के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो प्रीवियस 5 गेम जो हुई है उसमें सीएसके 3 बार जीती है, आरआर 2 बार जीती है। आखिरी बार जब ये दोनों टीम्स खेली थी वो आईपीएल 2020 में था, जहां आरआर 7 विकेट से जीत गया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज हमारे लिए यही तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती है कि हम और मेहनत करें, आपके सामने और स्टेटिस्टिक्स डेटा सब कुछ लेके आए अक्रॉस स्पोर्ट्स, ताकि आपको अपनी टीम बनाने में सहायता मिले। बात करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड का, ये मैच होने वाली है वानखेड़े स्टेडियम में। अब ये कौन सा वानखेड़े स्टेडियम होगा? वही जो मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड रहा है? क्या ये वही होगा जहाँ पे पंजाब सुपर किंग्स ने दिल्ली के अगेंस्ट धमाकेदार शुरुआत करी थी, या भी वो यू नो वानखेड़े स्टेडियम होगा जहां पंजाब सुपर किंग्स लड़खड़ा गई थी अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स? काफी कुछ डिपेंड करेगा कि विकेट कौन सी यूज हो रही है, क्या हमें देखने में आ रहा है टॉस के दौरान। इसलिए बहुत जरूरी है आप हमें फॉलो कर लीजिए फटाफट, ताकि जैसे टॉस रिपोर्ट हो और हमारी रीड ऑफ द गेम क्या है उसके हिसाब से हम आपको कमेंट दे देंगे कि हमें क्या लगता है इस गेम में क्या हो सकता है। वैसे एक्सपेक्ट वैसे करेक्ट प्रेडिक्शन तो भगवान ही शायद कर सकते हैं, हम सब सिर्फ डेटा पॉइंट्स को देखते हुए, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक प्रेडिक्शन करके अपनी टीम का सेटअप कर सकते हैं। अब वो सही हो या गलत हो ये तो आखिर में डिपेंड करता है उन प्लेयर्स पर जो ये गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों निराश मत होइएगा कभी कभार अगर हमारी ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए, बिकॉज एट बेस्ट इफ यू आर प्लेइंग दिस गेम ऑफ स्किल, आप सर्टन अजम्पशंस के साथ जाओगे एक पर्टिकुलर गेम में। कल की गेम में एक थोड़ा सा हमें हिट जरूर हुआ था, जब एबी डिविलियर्स वाला जो हमारा कॉल था वो इतना सही नहीं रहा था, बिकॉज वी वेंट विद द पिच रिपोर्ट वेयर हमें लगा कि स्लोअर विकेट है, शायद बॉल इतना कैरी नहीं करेगा, प्लस मॉर्गन की कैप्टनसी थोड़ी क्वेश्चन मार्क वाली थी। वरुण चक्रवर्ती को पता नहीं क्यों उन्होंने सेकेंड ओवर तभी नहीं कराई, एंड वॉट एवर हैपेंड एबी डिविलियर्स खेल गए अपनी मैजिकल इनिंग्स और डेफिनेटली वी लॉस्ट आउट। बट अगेन हमारा ये मानना है व्हेन यू परसिस्ट विद समथिंग, योर अजम्पशंस बीट योर रीड ऑफ द गेम ओवर अ पीरियड ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट, ये सारी चीजें इवन आउट हो जाती हैं। बात करते हैं एक्सपेक्टेड इलेवन की। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से फाफडू प्लेसी तो डेफिनेटली ओपन करेंगे। अब क्या रुतुराज वायकार्ड को एक और मौका मिलेगा, या रॉबिन उथप्पा जिन्होंने हर इंटरव्यू में बारी बारी ये जताया है, ये कहा है दैट ही वॉन्ट्स टू कम आउट एंड बैट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, क्या उनको मौका मिलेगा? नोइंग चेन्नई सुपर किंग्स, ये पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि प्लेयर को एक सर्टन रन दें, ऐसा ना हो कि एक दो गेम फेल हुए तो चलो बाय बाय करके इनको बाहर निकाल दें। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ऋतुराज गायकवाड माइट स्टिल होल्ड हिज प्लेस इन दिस गेम, पॉसिबली हिज लास्ट चांस, बट रॉबिन उथप्पा भी अगर खेल जाए तो डोंट बी सरप्राइज्ड।
नंबर 3 पर मोइन अली, जिन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है थ्रू बैटिंग थ्रू बॉलिंग। ही शोन व्हाट अ ट्रू ऑलराउंडर दैट ही इज। इट हिज परफॉर्मेंस हैज हेल्प्ड ईज द प्रेशर ऑफ सुरेश रैना, जो कि लास्ट सीजन मिस करा था, ये सीजन खेल रहे हैं। और यहाँ पे एक मजेदार बात बताता हूँ, सुरेश रैना का रिकॉर्ड अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स अमंगस्ट द टॉप 2 में रहा है। ही लाइक्स प्लेइंग अगेंस्ट देम। अगर आप जीएल में मल्टीपल टीम्स डाल रहे हो, शायद आपकी स्मॉल लीग टीम का कैप्टन सुरेश रैना ना हो, बिकॉज 4 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। यू माइट बिलीव कि वानखेड़े की विकेट है, ऊपर वाले बैट्समैन काफी कुछ रन बना सकते हैं, बट सुरेश रैना एज अ कैप्टन शुड बी देयर इन वन ऑफ योर टीम्स फॉर श्योर। राइडू एट 5, राइडू हैज स्ट्रगल्ड, राइडू पॉसिबली इज नॉट इवन प्लेइंग एट हिज फेवरेट पोजिशन, बट क्या करें दोस्तों, टीम के लिए खेल रहे हैं तो टीम के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा। नंबर 5 पर खेल रहे हैं राइडू, सैम करन 6 पर, जडेजा 7, धोनी 8। लुक एट द स्टेट ऑफ दिस टीम। महेंद्र सिंह धोनी वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स दैट द वर्ल्ड हैज सीन। मे बी रिसेंट पास में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट धोनी अगर 8 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द बैटिंग डेप्थ ऑफ दिस टीम। ड्वेन ब्रावो एट 9, शार्दुल ठाकुर एट 10, दीपक चहर एट 11। ये टीम बहुत डीप बैट करती है। अगेन वी डोंट सी महेंद्र सिंह धोनी बीइंग पुश्ड अप द ऑर्डर फॉर श्योर, बट सैम करन इज समबडी हु माइट गेट पुश्ड। लेट्स सी किस तरीके से ये टीम सेटअप करती है, बट हमारे हिसाब से ये मोटा मोटा इस टीम का कंस्ट्रक्ट होगा। अगर इनकी अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट गेम में गायकवाड 5-2 ने ओपन करा था, सेकंड गेम में भी सेम ऑर्डर फॉलो हुआ था अलॉन्ग विद मोइन अली एट 3, रैना एट 4 एंड राइडू एट 5। ये सेट कॉम्बिनेशन रहा है इनका अब तक का। कोई बड़ी बैटिंग वाली इनिंग्स यहाँ पे नहीं खेली गई है, बारिंग मोइन अली जिसने दोनों गेम में बराबरी वाला कॉन्ट्रीब्यूट करा है। 36 था फर्स्ट गेम में, 46 था सेकंड गेम में, कुल मिलाकर ही स्कोर 82 रन। फर्स्ट गेम में रैना ने 54 मारा तो सेकंड गेम में केवल 8 रन पर आउट हो गए। कैसे? शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल इनको जब डाली है, ही इज क्लियरली स्ट्रगल्ड, ही शोल्ड व्हाट इज वीकनेसेस एंड ही विल पॉसिबली बी थैंकिंग हिज गॉड्स कि इस गेम में जोफ्रा आर्चर नहीं है। अदरवाइज जोफ्रा आर्चर इनको शॉर्ट बॉल से बहुत परेशान करते हैं एंड पॉसिबली वी वुड नॉट इवन रेकमेंड हैविंग सुरेश रैना इन दिस गेम हैज जोफ्रा आर्चर बीन प्लेइंग, बट नहीं खेल रहे हैं जोफ्रा आर्चर, सो रैनास पोजीशन माइट लुक्स लाइक सिक्योर्ड वन। एंड इसके अलावा गायकवाड़ जैसे आपको बता रहे थे कि शायद उसका ये लास्ट चांस हो सकता है, तो मोइन अली, फाफ डू प्लेसी, रैना, ये तीनों मस्ट हैव पिक्स फ्रॉम द बैटिंग डिपार्टमेंट। दीपक चहर ने पिछले गेम में मचाया था कहर, परफेक्ट दीपक चहर वाली वो सेटअप था। अप फ्रंट 4 ओवर डाल दी, 4 विकेट पिक कर लिए। महेंद्र सिंह धोनी का जो टॉस जीत कर बॉलिंग फर्स्ट वाला डिसीजन था, उसको पूरा पूरा प्रूव करा है। एक ट्रेंड जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, दीपक चहर अगर चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग कर रही है और शार्दुल ठाकुर अगर चेन्नई सेकंड बॉलिंग कर रही है, ये गांठ बांध के चलो। व्हाई आई टेल यू, दीपक चहर बिकॉज अप फ्रंट थोड़ा सा परेशान करने में बिलीव करते हैं बैट्समैन को, एंड ये हमने अक्सर देखा है कि इसका फर्स्ट इनिंग्स का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। शार्दुल ठाकुर सेकेंड इनिंग्स में प्राइमरली वेन बैट्समैन आर ट्राइंग टू टेक हिम ऑन इज समवेयर ही ट्राइड टू पिक अप अ लॉट ऑफ विकेट्स। ऐसा नहीं शार्दुल ठाकुर फर्स्ट इनिंग्स में विकेट नहीं लेते हैं, ऑफकोर्स लेते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, बट सेकेंड इनिंग्स में उनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है बिकॉज वो नकल बॉल यूज करते हैं। बैट्समैन कोशिश करते हैं कि इनके अगेंस्ट जाके इनको स्कोर करें और उस चक्कर में विकेट दे जाते हैं बाउंड्री लाइन पर। तो शार्दुल ठाकुर सेकंड इनिंग्स अगर चेन्नई बॉलिंग कर रही है, दीपक चहर अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रही है। ड्वेन ब्रावो हैज परफॉर्म रियली वेल फॉर देम, एक एक विकेट लिए उसने दोनों गेम में। मोइन अली भी बॉलिंग कर रहे हैं, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे खासे वीसी ऑप्शन भी आपके लिए इस गेम में बन सकते हैं अगर आप ध्यान से चलोगे। तो बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो जॉश बटलर, मनन वोरा इनके लिए ओपन करेंगे। शायद ये मनन वोरा के लिए आखिरी मौका हो, सिमिलर टू वॉट वी सी विद गायकवाड़, बिकॉज इनके पास बैकअप ओपनर भी है इन द फॉर्म ऑफ यंग यशस्वी जायसवाल, जिसने पोटेंशियल अपना प्रूव करा है, प्लस ही इज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो इनको एक और स्टेबिलिटी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ अ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन। सो जॉश बटलर, मनन वोरा, संजू सैमसन, ये इनके टॉप 3 रहेंगे। कोशिश करना बटलर सैमसन दोनों को पिक कर पाओ, बिकॉज मुंबई का अगर ये पाटा विकेट निकला तो यू नेवर नो हाउ मच कैन दे पनिश यू नो द ऑपोजिशन बॉलर। शिवम दुबे एट 4, डेविड मिलर एट 5 एंड किलर मिलर ने लास्ट गेम में बता दिया था वॉट हीज ट्रू पोटेंशियल इज, वॉट ही इज केपेबल ऑफ। अगेन अ मस्ट हैव पिक। अगर आप देखोगे दोस्तों, राजस्थान की इस लाइनअप में बेन स्टोक्स के जाने के बाद, जफरा आचर के जाने के बाद, वन ऑफ द वीकेस्ट टीम आपको दिखेगी, बट समवेयर डेविड मिलर प्रूव्ड कि इनका एक्सपीरियंस काम आ सकता है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में, और ये अच्छा खासा इनका टूर्नामेंट रहेगा, ये हमारा मानना है। रियान पराग नंबर 6 पर, राहुल तेवतिया 7 पर, नो मैजिक ऑफ तेवतिया एटलीस्ट हैज बीन सीन सो फार। अच्छी कैच जरूर पकड़ी थी, बट लेट्स सी उसके बियॉन्ड कुछ कर सकते हैं। तो क्रिस मॉरिस पिछला गेम जितवा गए थे आरआर को, क्या ये फिर से अपना मैजिक कर पाएंगे? आई डोंट नो, बट डेफिनेटली अपनी टीम में जरूर रखना है बिकॉज बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू ये विकेट दे जाते हैं। जयदेव उनाडकट दी कमबैक मैन, बढ़िया 2 विकेट लिए इसने पिछले गेम में, शोड व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। एंड अगेन दोस्तों, लेफ्ट आर्म बॉलर था,
अगेन ट्राई टू क्रिएट दैट एंगल जिसके कारण इसको बेनिफिट हुआ, अप फ्रंट 2 विकेट ले लिया एंड माइट बी इन सम ऑफ योर कंसिडरेशन। जब आप जीएल में मल्टीपल टीम कर रहे हो उसमें जयदेव उनाडकर को जरूर पिक कर सकते हो, या उसके जगह पे चेतन सकरिया जिसको हमने हमारी टीम में फिलहाल पिक किया, यू कैन स्वॉप द टू एज वेल इफ यू हैव द बैलेंस। मुस्तफिजुर रहमान अगेन अ वेरी गुड पिक स्पेशली इफ राजस्थान रॉयल्स इज बोलिंग फर्स्ट। अगर आप देखो दोस्तों इन दोनों टीम का अब तक का रिकॉर्ड 2 गेम जो हुई है, फर्स्ट गेम में बेन स्टोक मनन वोरा ने ओपन करा था, इसके बाद बेन स्टोक ने अपनी उंगली तुड़वा दी, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इसीलिए सेकंड गेम में जॉश बटलर अपने प्रिफर्ड पोजीशन में आ गए जो कि है टॉप ऑफ द इनिंग्स। इनके ओपनर्स दोनों इनिंग्स में फेल हुए हैं अब तक, नथिंग दे हैव डन। संजू सैमसन ने फर्स्ट गेम में 119 वाली बढ़िया पारी खेली थी, ही ट्राइड टू हेल्प देम विन बट 4 रन से शॉर्ट हुए थे। तो सेकेंड गेम में डेविड मिलर ने बचाया इनको बाय स्कोरिंग और बाय परफॉर्मिंग इन अ वेरी नाइस मैनर, वेरी हेल्प देम डू वेल। शिवम दुबे ने फर्स्ट गेम में 23 मारा था, सेकेंड गेम में केवल 2 रन मार गए थे। क्रिस मॉरिस ने भी अच्छा खासा बैट से कॉन्ट्रीब्यूट करा था इन द सेकेंड गेम। बोलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो सकारिया ने फर्स्ट गेम में 3 विकेट लिया, अपना डेब्यू गेम था, चौंका दिया था सबको। ही प्रूव्ड दैट ही हैज हैड अ स्ट्रगलिंग पास्ट बट बड़े ओकेजन पे बड़े स्टेज पर अच्छा खासा परफॉर्म कर गए थे, बट सेकेंड इनिंग सेकेंड गेम में कुछ भी विकेट नहीं ले पाए, वहां 3 विकेट ले गए जयदेव उनाडकर। क्रिस मॉरिस दोनों गेम मिलाकर 3 विकेट ले चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले गेम में 2 विकेट ली, अगेन इफ आरआर इज बोलिंग फर्स्ट वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड पिक मुस्तफिजुर रहमान इन आवर टीम्स। इसके अलावा श्रेयस गोपाल सेकेंड गेम में ड्रॉप हो गए थे, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद शिवम दुबे को ड्रॉप करके हम श्रेयस गोपाल को इस गेम में देख सकते हैं, मे बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, बट अगेन डिपेंड करता है कि क्या आरआर की मैनेजमेंट सोच रही है एंड यू नो व्हाट हाउ दे आर लुकिंग एट द सेटअप इन देयर टीम। बात करते हैं दोस्तों सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम की, तो हमने फिलहाल सैमसन बटलर दोनों को पिक किया हुआ है, नो एमएस धोनी। चाहे कितनी भी मोहब्बत करते हैं हम धोनी से, नंबर 8 पर बैटिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो हम इनको पिक नहीं कर पाएंगे। फाफ डुप्लेसी, रायना, मिलर, इन तीनों को हमने पिक किया हुआ है। वी हैव नॉट पिक्ड अप गायकवाड राइट नाउ, वी हैव नॉट पिक्ड अप एन अंबाती रायडू, हमने हमारी टीम में मनन वोरा को भी अभी नहीं लिया। यदि उत्तपा खेलते हैं ये गेम में और हमें लगता है कि ऊपर की तरफ खेलेंगे, वी माइट गो एड एंड स्टिल पिक हिम। अगर आप जीएल में मल्टीपल टीम डाल रहे हो वहां पे एक हाथ कॉम्बिनेशन में गायकवाड़ को जरूर पिक करना, बिकॉज अगर ये फ्लैट विकेट निकली जो हमने देखा था पंजाब वाली गेम में, पॉसिबल है दोनों ओपनर तहलका मचा सकते हैं, इन विच केस फाफ डू प्लेसी एंड गायकवाड़ बोथ बिकम वेरी वेरी क्रूशल। ऑलराउंडर्स में वी गुड क्रिस मॉरिस, मोइन अली एंड सैम करन। मॉरिस एंड मोइन अली डेफिनेटली हमारी टीम में रहेंगे कम वॉट में। सैम करन एक प्लेस होल्डर है फिलहाल, वी आर नॉट श्योर इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू यूज सैम करन, टॉस के बाद डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमें जाना है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन ये हैं कि अगर चाहें तो हम दीपक सर को पिक कर सकते हैं अगर चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग कर रही है, जयदेव उनाडकट को भी पिक कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सकारिया अगर हमें लगता है, बिकॉज 9 क्रेडिट बचेंगे तो सकारिया टू जयदेव उनाडकट लीव्स अस विद 8.5, जिसके चक्कर में हम वेन ब्रावो या गायकवाड़ दोनों को पिक कर सकते हैं। सो मल्टीपल कॉम्बिनेशन इन मल्टीपल जीएल टीम्स अगर आप डाल रहे हो तो ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स दैट यू कैन प्ले विद। फिलहाल हमें शार्दुल ठाकुर को पिक किया, मुस्तफिजुर रहमान को और सकारिया को, होप कर रहे हैं आरआर बोलिंग फर्स्ट करेगी। अगर चेन्नई बोलिंग फर्स्ट करती है तो मे बी मुस्तफिजुर रहमान की जगह पे वी माइट गो अहेड एंड पिक अप दीपक चहर। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अगर आप जीएल में मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो एटलीस्ट एक लॉजिक ठीक कर रहे हैं, एक लॉजिक शॉर्ट कर लेना। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चेन्नई के दोनों ओपनर्स फेल होंगे तो जिस टीम में भी आप अंबाती रायडू को बैक कर रहे हो एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन, ट्राई करना फाफ डू प्लेसी गायकवाड़ दोनों को ड्रॉप कर पाओ या दोनों में से एटलीस्ट एक को तो पक्का ड्रॉप करो, बिकॉज रायडू आएंगे 5 पर एंड इफ ही इज प्लेइंग दैट कैप्टन वाला इनिंग्स फॉर यू विच मीन्स द टॉप ऑर्डर इज समवेयर फेलिंग। सूर्य रैना को ड्रॉप करो, अगर फाफ को प्ले करो तो रैना को ड्रॉप करो। सो मल्टीपल कॉम्बिनेशन लाइक आई सेड, इफ यू आर गोइंग फॉर अ हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यू विल हैव टू टॉप अप योर टीम विद एटलीस्ट 5 बैट्समैन, बिकॉज यू डोंट नो विच ऑफ द 5 बैट्समैन आर गोइंग टू गो एंड प्ले बिग, इन विच केस आपका सैम करन की जगह पे एक एडिशनल गायकवाड़ या समबडी एल्स माइट कम इनटू द फ्रे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, एक सैंपल टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फटाफट उसके साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको सारी गेम्स की सारी डिटेल्स फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि लिंक काम नहीं करते तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर ये स्पेलिंग मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये टाइप कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आसानी से मिल जाएंगी। याद रहे दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें लत लगने की पॉसिबिलिटी होती है, तो प्लीज रिस्पॉन्सिबल गेमिंग करिएगा, जितना अपना रिस्क एपेटाइट हो उसके हिसाब से आप इसमें एंगेज करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक का वीडियो लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। जल्द मिलेंगे आपसे कई और क्रिकेट फुटबॉल और बास्केटबॉल गेम्स की एनालिसिस के साथ, तब तक अच्छे से रिसर्च करना, अच्छे से पढ़ाई करना। दुआ करता हूँ आपकी ये गेम बहुत ही बढ़िया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।